हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। इस वीडियो में हम जानेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में, बिकॉज आज न्यूज़ में आया दैट कंगना रनौत द बॉलीवुड एक्ट्रेस, उनको वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो हम पूरे इस प्रोसेस को जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी से मतलब क्या है, किनको मिल सकती है, किनको नहीं मिल सकती। सो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी की अगर बात करें, सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ प्रोटेक्शन जो मिलती है लोगों को, या तो वो गवर्नमेंट के किसी ओहदे पर हैं या फिर सिविल सोसाइटी में दे आर रिप्यूटेड पीपल। तो इन दो बेसिस के ऊपर आपको मिलती है, आपकी पोजीशन के कॉन्सिक्वेंस के अकॉर्डिंग या फिर आपकी सिविल सोसाइटी में स्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपको सिक्योरिटी मिलती है। एंड जो लेवल ऑफ सिक्योरिटी है वो कौन डिसाइड करता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड करते हैं। बेसिकली जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB एंड जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है रॉ, वो अपनी रिपोर्ट देती हैं होम मिनिस्ट्री को, जिसके बाद फिर तय किया जाता है कि किस लेवल की सिक्योरिटी किसी इंडिविजुअल को दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। एंड ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये किसी स्टैट्यूटरी बॉडी को अकाउंटेबल नहीं है इस पूरे प्रोसेस में, यानी जो इनकी रिपोर्ट होती है वो किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के तहत नहीं होती, बस इनको इंटरनल ओवरसाइट के तहत ही अपना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ये अपनी जो इनपुट है वो देते हैं। एंड इनका जो इनपुट है, इंटेलिजेंस इनपुट, ना तो वो पब्लिक डोमेन में मिलता है हमें, ना ही उसकी स्क्रूटनी कोई दूसरी एजेंसी कर सकती है। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो कई बार ऐसे एलिगेशन लगते हैं कि ये प्योरली एग्जीक्यूटिव का प्रेरोगेटिव है कि किनको सिक्योरिटी देनी है, किनको नहीं देनी। एंड एज यू माइट हैव हर्ड रिसेंटली कि जो गांधी फैमिली थी, उनसे जो स्पेशल SPG सिक्योरिटी थी, जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सिक्योरिटी, वो विड्रॉ करके उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई थी, है ना। तो आपने न्यूज़ में सुना होगा ये। तो ये एक और रीज़न है जिसकी वजह से हम इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं। एंड अब जैसे पहला क्राइटेरिया था कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में भी किनको मिलती है, तो प्राइम मिनिस्टर एंड उनकी इमीडिएट फैमिली को तो काफ़ी हाई सिक्योरिटी, यानी जो SPG सिक्योरिटी है वो मिलती है। उसके अलावा होम मिनिस्टर एंड जो आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, तो इन सबको सिक्योरिटी दी जाती है ड्यू टू देयर पोजीशन इन द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसलिए जो पोजीशन इन द गवर्नमेंट वाला क्लॉज इन सब लोगों पर लागू होता है। इनके अलावा भी और बहुत सारे जो आपके इंडिविजुअल्स होंगे जिनको दी जाती है ड्यू टू पोजीशन। हमारे पास 6 ब्रॉड कैटेगरीज़ की सिक्योरिटीज़ हैं, X, Y, Y+, Z, Z+, and SPG। जो SPG है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर एंड उनकी इमीडिएट फैमिली के लिए है, बाकी जो सिक्योरिटीज़ हैं अकॉर्डिंगली लोगों को दी जाती हैं थ्रेट परसेप्शन के अकॉर्डिंग। जैसे 2013 में मुकेश अंबानी को एक्सटेंड की गई थी Z+ सिक्योरिटी। एंड अगर हम इसके कॉस्ट की बात करें, तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्ज़ी है कि उन्होंने जो कॉस्ट है कितना देना है किसी के ऊपर, या कितना चार्ज करना है इसका। जैसे कई लोगों को इट इज़ गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड ऑन द अदर हैंड जो मुकेश अंबानी है, उनसे गवर्नमेंट ने 15 लाख पर मंथ का जो सम है उनको बोला था, उनको चार्ज किया गया था। सो दिस इज़ टोटली द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। एंड जो दूसरी कैटेगरी ऑफ जो सिक्योरिटीज़ हैं प्रोटेक्शन की कैटेगरीज की, दे आर प्रोवाइडेड टू एनीवन अबाउट होम द सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनपुट ऑफ थ्रेट। तो अगेन वही प्रोसीजर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज रिपोर्ट देंगी, उसके बिहाफ पर ही आपको सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी मिलेगी। एंड ये जो हम बात कर रहे हैं, दीज आर द सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। एंड जो VIPs हैं अदर दैन द प्राइम मिनिस्टर, उन सबको सिक्योरिटी कौन कहाँ से मिलती है, दे आर इधर गिवन बाय द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, या फिर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ऑल दो जो सेंट्रल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, इनको सिक्योरिटी मैकेनिज्म में लगाने पर कुछ सवाल भी उठते रहते हैं, बिकॉज इनका काम एंटी टेररिज्म के अगेंस्ट जो फाइट है, टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट। तो NSG को कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, दे आर आस्क्ड बाय द जर्नलिस्ट एंड ऑल, कि क्या NSG को जो VIPs की सिक्योरिटी के लिए तैनात किया जाना सही चीज़ है या नहीं सही। सो अगेन दैट इज़ अनदर मैटर ऑफ डिबेट। लेकिन अब हमने जान लिया कि कौन कौन सी जो फोर्सेज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कितने टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ हैं। तो हम एक बार थोड़ा सा इसको ब्रीफली देख लेते हैं, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो इनपुट देते हैं कि सिक्योरिटी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। सिक्योरिटी दो तरीके से जा सकती है, एक तो पोजीशन ऑफ कॉन्सिक्वेंस है इन द गवर्नमेंट, या फिर सिविल सोसाइटी में। तो दो तरीके हैं, ठीक है। 6 ब्रॉड कैटेगरीज हैं हमारे पास सिक्योरिटी के, एंड प्राइम मिनिस्टर एंड उनकी इमीडिएट फैमिली को मिलती है आपकी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सिक्योरिटी। सो दैट इज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।